रामपुर उपचुनाव में हार के बाद आज़म खान कैसे अपनी सियासी विरासत को हासिल कर पाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल हर किसी के सामने है आज़म खान हर वो कोशिश करते नज़र आ रहे हैं जिससे उनको उनकी कोई भी विधायकी और रामपुर का गढ़ वापस मिल जाए ऐसी खबरें भी सामने आई कि रामपुर की जिस सत्ता से आते हैं आज़म खान वहाँ पर भी बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया आसिम रजा जिन जि, जिस क्षेत्र से खड़े हुए थे उस पोलिंग बूथ को भी नहीं बचा पाए यहाँ पर सपा पार्टी तो क्या ये सपा पार्टी की हार है या आज़म खान की हार है क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि आज़म खान की हार हुई रामपुर में लेकिन गौर करें तो दरअसल सपा ने भी तो एक सीट गवा दी अपनी जो उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 के अंतर्गत दो एक से ज्यादा सीटें हासिल करी थी उसमें से एक बड़ी सीट उन्होंने गवा दी गौर करें इसी साल अगर जो चुनाव हुआ था वहाँ पर बीजेपी जीत सकती थी लेकिन क्यों नहीं जीती यह बहुत बड़ा मुद्दा है आखिर ऐसा क्या हो गया छह सात महीनों में जिसकी वजह से आजम खान हार गए जेल की सलाखों के पीछे थे आजम खान लेकिन चुनाव जिता कर दिया लेकिन अब तो जेल की सलाखों के बाहर होने के बावजूद भी यह चुनाव नहीं जीत पाए इसको लेकर अब सियासत गरमाई हुई है ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम योगी तक ऐसा

का कि हम जीत गए चाचा शिवपाल ने जो पेंडुलम कहा था सीएम योगी ने उन्हीं को झूला झुला दिया ये बात यहां पर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के खिलाफ करते नजर आए लेकिन क्या दूसरी तरफ यह उम्मीदें की जा सकती हैं कि इसके बावजूद भी इतनी बयानबाजी के बावजूद भी क्या रामपुर की सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला सीएम योगी देंगे बिल्कुल नहीं ये बात साफ है कि दोबारा चुनाव नहीं होंगे आप पांच साल का इंतजार करिए और उसमें से भी नौ साल आजम की विधायकी रद्द कर रखी है वो विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ सकते यहां तक कि वोट भी नहीं डाल सकते तो आजम के लिए बहुत जारी है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये मुसीबत खड़ी हो गई सब ये बात कर रहे हैं कि अगर परिवार की तरफ से कोई खड़ा हुआ था तो शायद परिवार की बहुत जीत जाती लेकिन आजम खान का जो संदेश है क्या सीएम योगी तक पहुंचेगा क्या सीएम योगी इस पर कोई बड़ा फैसला करेंगे क्या सीएम योगी उन डीएम पर उन चुनाव आयोग के कही न कहीं ना कहीं कार्यकारी अधिकारियों पर फ़ैसला करेंगे जो उस दिन वहां पर चुनाव करा रहे थे क्योंकि फैसला होना चाहिए ये बात हर कोई करता नज़र आ रहा है हर समर्थक कहता नज़र आ रहा है और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से हाथ तोड़ दिए थे जिस तरीके से यहाँ पर खाकी वर्दी वालों की वजह से यहाँ पर जीत हुई रामपुर में ऐसा अखिलेश यादव का कहना है ऐसा आज़म खान का कहना है क्या ये सारी बातें सच होंगी अब देखते हैं इन संदेश इन बयानों के जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे देते हैं मैनपुरी में जीत की डिम्पल यादव को बधाई दी गई और सपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना को भी बधाई दी गई लेकिन क्या इसमें सचमुच आज़म खान की हार हुई है या सपा पार्टी की क्या सपा पार्टी की तरफ से ये जानबूझ किया गया कि वो आजम खान की हार होने दें तो अपने राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा बहुत बहुत धन्यवाद